नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। इस ड्राफ्ट के मुताबिक दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक रोक लगाने का प्रस्ताव है। विधि आयोग ने बकायदा इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर भी अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से राय भी मांगी है। ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया जाएगा जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। आयोग के मुताबिक इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है, खुद की प्रेरणा से ये ड्राफ्ट आयोग ने तैयार किया है। ऐसे में अगर ये एक्ट लागू हुआ तो दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। इसी के साथ 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है। अगर ये लागू हुआ तो एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते समय उनके दो ही बच्चे हैं और शपथ पत्र देने के बाद अगर वो तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने और चुनाव ना लड़ने देने का प्रस्ताव इसमें होगा। सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने तक की सिफारिश इस पत्र में की गई है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यह अपना ड्राफ्ट तैयार किया है, यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 इसे नाम दिया गया है, जिसमें जल्द ही आयोग इसे अब अंतिम रूप भी दे सकता है और उसके बाद यह राज्य सरकार को पेश किया जाएगा। इस ड्राफ्ट में तरह तरह के सुझाव दिए गए हैं कि किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को रोका जाए, उसको सुझाने के उपाय दिए गए हैं। बता दें कि इस अब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति भी जारी करने जा रही है और इस बीच अब राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही इसको अंतिम रूप दिया जाएगा और राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। इस ड्राफ्ट के मुताबिक दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों से आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या ये जो विधेयक है इसमें ऐसे सुझाव दिए गए हैं। अब देखना होगा कि जनसंख्या के इस पर क्या राय है, क्योंकि जनता से भी राय मांगी गई है कि इसको किस तरीके से तैयार किया जाए और आयोग ने तमाम जो सुझाव है वो भी जारी कर दिए हैं। सोशल जो सरकारी वेबसाइट है उस पर भी इसे अपलोड कर दिया गया है। सरकारी नौकरी आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर इस प्रस्ताव में रोक लगाने का प्रावधान है। विधि आयोग ने इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। यानी 19 जुलाई तक जनता जो राय देगी उसके हिसाब से ही इस ड्राफ्ट में आगे सुझाव जो है उनमें फेरबदल किया जा सकता है। अगर जनता इससे सहमत है, समर्थन में है, तो इस ड्राफ्ट को इसी तरीके से पेश किया जाएगा और अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सरकार जिस तरीके से प्रयासरत है, 11 जुलाई को योगी सरकार भी नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है और इस जनसंख्या नीति के बीच अब यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो बात एक बार फिर से मुद्दे की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने अब एक ड्राफ्ट जारी किया है। ये ड्राफ्ट जो है वो यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का है। इस विधेयक के तहत जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं और इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को भी सौंप दिया जाएगा। इस ड्राफ्ट के मुताबिक दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। विधि आयोग ने बकायदा इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। आयोग के मुताबिक इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद की प्रेरणा से ये ड्राफ्ट तैयार किया है। आयोग द्वारा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है और अब ये एक्ट लागू हुआ तो दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका लोगों से छीन लिया जाएगा, उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी उन्हें वंचित रखा जाएगा। जनसंख्या को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए, उसको लेकर
राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है। जनसंख्या विधेयक कानून 2021 अभी फिलहाल ये विधेयक है, लेकिन जल्द ही अगर इसे कानून बना दिया गया तो कई बड़े फैसले, कई बड़े फेरबदल हो सकते हैं, क्योंकि खुद की प्रेरणा से ड्राफ्ट ने आयोग तैयार किया है, जिसमें अगर दो से अधिक बच्चे किसी के हैं तो सरकारी नौकरी में उसे आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं दिया जाएगा। कानून लागू होते समय उनके दो बच्चे जिनके होंगे उनको बाद में शपथ पत्र देना होगा, और शपथ पत्र देने के बाद अगर वो तीसरे संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का चुनाव या प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने और चुनाव न लड़ने देने का प्रस्ताव भी इसमें दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त तक करने की सिफारिश इसमें की गई है। तो राज्य विधि आयोग ने विधेयक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, और ड्राफ्ट में क्या कुछ है वो भी आपको बता रहे हैं। अगर किसी के भी दो से अधिक बच्चे होते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है, और इसी के साथ प्रमोशन और बर्खास्त करने तक की सिफारिश इस ड्राफ्ट में की गई है। अभी 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति भी जारी करने जा रही है, देखना होगा उसमें भी क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस बीच राज्य विधि आयोग ने तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंकित अरोड़ा जी बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत अंकित जी आपका। और आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ चुके हैं। उपाध्याय साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले उपाध्याय साहब आपसे जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश के जो राज्य विधि आयोग ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? की जरूरत है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और आप देखेंगे जो हमारे संसाधन है उन पर एक बहुत बड़ा बर्डन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रगति बाधक होती है, और जब प्रगति बाधित होती है तो कोई ना कोई उपाय सरकार को करना होगा। सरकार के पास एक विकल्प है कि जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है जी। उसको कंट्रोल किया जाए, और आज से नहीं एक लंबे समय से ये जरूरत महसूस की जा रही है, तो सरकार ने उसी तरफ एक कदम बढ़ाया है कि इससे लोगों को हतोत्साहित किया जा सके। मान लीजिए आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको डर रहेगा कि जो दो बच्चे से ज्यादा होंगे तो मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, या जो भी अनुदान मिलते हैं सरकार की जो भी सहायताएं मिलती हैं वो सहायता आपको लेनी है तो आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून को मानना होगा। बिल्कुल जी, हमारे साथ अंकित अरोड़ा जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर आप किस तरीके से इस विधेयक को देखते हैं, क्योंकि आयोग ने यह विधेयक तैयार किया है, हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि है कि सरकार पर इसका कोई आदेश इसके लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी मर्जी से एक जागरूक होने के नाते उन्होंने आयोग ने ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है, और अगर इसको सहमति मिलती है तो इसको राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। ये पहले तो मुस्कान जी, अगर ये कानून पारित हो जाता है तो ये उत्तर प्रदेश के और प्रदेश के माध्यम से मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि हमें याद है 26 जनवरी के दौरान जब माननीय मोदी जी ने इसका संकेत दिया था, इससे नीति और नियत के बारे में बहुत अच्छा खुलासा हो गया था। और देखिए जनसंख्या कानून, ये कानून नहीं एक जरूरत है, क्योंकि जो पॉपुलेशन का ब्लास्ट हिंदुस्तान में हो रहा है, रिसोर्सेस का क्रंच वैसा ही बढ़ता जा रहा है, जहां सुविधा एक आदमी के लिए होनी चाहिए थी वो सुविधा 10 आदमियों में बढ़ जा रही है। बिल्कुल, ना एक का पेट भर रहा है ना वो 10 का बढ़ पा रहा है। तो ये रिसोर्सेस के टर्म्स में बहुत ही जरूरी है, और इकोनॉमिक वेंचर को बैलेंस करने के टर्म्स में इसकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। बिल्कुल, और ऐसा कानून अगर बनता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। उपाध्याय साहब आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से अब इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के दो से ज्यादा संतान है तो उसे सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाएगा, आगे आने वाले समय में ये कानून लागू होगा, लेकिन अब इस कानून के तहत जिन लोगों की पहले से दो से ज्यादा संतानें हैं उनको क्या वाकई सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी?
देखिए देखिए सोचना सोचना होगा, होगा। अभी तक अभी तक तो इंसाफ है, और जब फाइनल होगा, जब कोई भी कानून फाइनल होके लागू होता है तो उसमें उसका कई बार जो व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं तो उनमें संशोधन किए जाते हैं। देखिए होना तो यह है कि भी आज से अगर कानून लागू होता है तो आज के बाद इफेक्टेड होगा। पहले से अगर मान लीजिए मेरे दो बच्चे हैं कि ज्यादा बच्चे हैं तो मैं कहीं उस कानून के दायरे में नहीं आता। तो ये सब चीजें जब कानून लागू होगा, व्यवहारिक दिक्कतें होगी, तब क्लियर होगा। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि इस समय वक्त की जरूरत है, और जिस तरीके से आबादी का घनत्व तो बढ़ता चला जा रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, देखिए जो संसाधन है वो सीमित है, और सीमित संसाधनों पर अगर अनावश्यक बोझ बढ़ता चला जाएगा तो वो किसी का भला नहीं होगा। तो हम सबकी भलाई इसी में है कि भी हम जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन करें, जिससे कि समाज भी उन्नत हो, हमारे बच्चे हैं वो अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा जीवन जिए, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य इन सब पर जो एक बहुत बड़ा बर्डन, और देखिए जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है कोई अंत नजर नहीं आ रहा है कि ये जनसंख्या विस्फोट कहां तक पहुंचेगा। बिल्कुल, तो सरकारों का चिंतित होना स्वाभाविक है, और इस तरह के कानून लाना व्यवहारिक है, और इसी उसमें माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य का भी जिक्र मेरे दोस्त ने किया। तो देखिए पूरे देश में इस बात की चिंता है, सरकारें चिंतित हैं, चाहे आज की सरकार हो या पिछली सरकार हो, सभी सरकारों ने इस तरफ कदम बढ़ाए हैं कि भी किसी भी तरीके से जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। तो इसी दिशा में ये कानून एक अच्छी पहल है, इससे मैं समझता हूं कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकेगा, जो आज की आबादी है वहां भी स्थिर रहे, तब भी हम अपनी जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है उसके अनुरूप बना सकते हैं। यहाँ तो पता ही नहीं है कि भी आज 130 करोड़ है, अगली जनगणना पता लगा 150 करोड़ हो गए, तो हर चीज का कहीं ना कहीं एक अंत तो होता है। बिल्कुल, और इसका तो अंत होना भी चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुई तो जैसा कि आप दोनों ने ही कहा कि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित है, आगे और ज्यादा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। अंकित जी आपके पास आना चाहूंगी, देखिए इसका जो ड्राफ्ट है वो सरकारी जो वेबसाइट है उस पर भी अपलोड कर दिया गया है, और 19 जुलाई तक लोगों से आवेदन मांगे हैं। अब क्या लगता है कि लोगों का कि लोग किस तरीके से इसको देखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ लोग इसे अच्छा भी देखते हैं और कुछ लोग इसे गलत तरीके से भी देखते हैं। क्या लगता है कि लोगों में अब किस तरीके से इस कानून को लिया जाएगा? देखिए मैं इस पर टिप्पणी करना अभी सही नहीं समझता, बट ये बात आवश्यक है कि किसी एक समुदाय को दिक्कत जरूर होगी। वो समुदाय अगर देश हित के लिए काम कर रहा है और धर्म से ऊपर काम कर रहा है तो कोई बात ही नहीं है, बट जनसंख्या कानून और इसका नियंत्रण करना जनसंख्या का बहुत ही आवश्यक है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अगर जैसा उपाध्याय जी ने बोला, मैं उनकी बात सहमति रखता हूं कि अगर हमें यह पता होगा कि हमारा पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन किस हिसाब से हो रहा है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, हम उसी तरह से अपने आने वाले रिसोर्सेस का स्पेकुलेशन कर पाएंगे। बिल्कुल, और ये बहुत स्वाभाविक है। और देखिए कई ऐसे देश हैं भी जहां पर पहले से ही इस तरह के कानून लागू हैं, कई बड़े ऐसे देश हैं जहां पर ये कानून लागू हैं, और वहां की जनता वाकई उस चीज को उस पर सहमति भी जताती है और उसे मानती भी है, और इसी वजह से वहां की जनसंख्या भी कंट्रोल है और लोग किस तरीके से वहां पर बेहतरीन तरीके से रहते हैं ये भी देखने वाली बात है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने चाइना है। बिल्कुल, चाइना ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया था और उन्होंने तो एक बच्चों पे रखा था, तो इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए सरकार, ये भाजपा सरकार ही है, और मैं इस बात का बहुत स्वागत करता हूं कि जितने बड़े ऐतिहासिक फैसले, जितने ज्यादा ऐतिहासिक फैसले जो भाजपा सरकार ने लिए इन 7 साल के दौरान, उसके लिए हम बहुत उनका स्वागत करते हैं। देखिए एक फैसला हमें आज भी याद है जो 1991 में मनमोहन सरकार जी ने लिया था, वो और बड़ा ऐतिहासिक फैसला था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो आज इस जनसंख्या कानून के आ जाने से
और सारे प्रदेशों में लागू हो जाने से एक 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 बहुत बड़ा मैसेज जाएगा आने वाले समय में कि एक मजबूत हिंदुस्तान की तैयारी एक अच्छे ट्रैक पर चल रही है। बिल्कुल। और उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगे। जी जी मैं लौटूंगी अंकित जी आपके पास। उपाध्याय साहब आपके पास आना चाहूंगी। 11 जुलाई को योगी सरकार एक नई जनसंख्या नीति भी लागू करने जा रही है और इस पर आवेदन 19 जुलाई तक मांगे गए हैं। क्या लगता है कि जो सरकार की जो नीति है आगे जनसंख्या नीति उसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए जनसंख्या नीति बड़ी साफ साफ है कि भी 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको वंचित रखा जाएगा, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। यानी किसी भी तरीके से 2 बच्चे से ज्यादा जो पैदा करते हैं उन्हें हतोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य होगा। इससे लोगों में जागरूकता जाएगी। और देखिए एक समुदाय विशेष के लिए देश के कानून को, देश के संविधान को ताक पर रख दिया जाए ये काबिले बर्दाश्त। एक समुदाय के हिसाब से देश नहीं चलता। बिल्कुल। और वो जिस समुदाय की बात कर रहे हैं उस समुदाय तो न जनसंख्या नियंत्रण कानून मानेगा न यूनिफॉर्म सिविल कोड मानेगा, तो उसके समुदाय के हिसाब से इस देश को चलाना क्या उस समुदाय के हवाले करना चाहते हैं आप इस देश? और जो जिस तरह के कृत्य एक्चुअल में एक समुदाय विशेष कर रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। विश्व पटल पर चाहे वो आतंकवाद हो चाहे वो दूसरे कृत्य हो, इन सब कृत्यों को पूरे विश्व को बर्बाद करके रख दिया है एक समुदाय विशेष ने। समुदाय की बात आप कर रहे हैं और वो समुदाय चाहता है भारत को भी बर्बाद कर दिया जाए समय समय पर षड्यंत्र और उस तरह की कामयाबी। और जब भी कोई कानून आएगा चाहे वो वैक्सीनेशन ही हो उसको उसमें भी, तो ऐसे समुदाय को तो सरकारों को सुधारना सरकारों का दायित्व तो है। बिल्कुल। ऐसे समुदायों की बात के आगे झुक जाना नतमस्तक हो जाना मैं समझता हूँ ये देश के लिए घातक होगा। तो इस तरह के जो देश हित के फैसले हैं सरकार को एक समुदाय विशेष की चिंता न करते हुए फैसले लेने चाहिए, कठोर फैसले लेने चाहिए। कोई परवाह इस तरह के समुदाय की नहीं करनी चाहिए। जिस समुदाय का इस देश के संविधान में आस्था नहीं है उस समुदाय के लिए कार्य करना या उस समुदाय की चिंता करना अनावश्यक होगा। बिल्कुल। और देखिए हमने इसका एक उदाहरण भी देखा है उपाध्याय साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। अंकित जी आपके पास आना चाहूंगी। इसका एग्जांपल भी हमने देखा है सीएए और एनआरसी के बीच उस समय में क्या हुआ था वो तमाम चीजें हमने देखी थी। और अगर यही चीजें इस बार जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए होती है तो किस तरीके से सरकार इन चीजों को कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि जिस विशेष समुदाय की हम बात कर रहे हैं वो वाकई जिस तरीके से उपाध्याय साहब ने कहा कि भारत को बर्बाद करना चाहता है। देखिए ये तो बहुत ही फिर दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये अशिक्षित लोगों की पहचान है। मैं तो व्यक्तिगत विचार यही है, ये कानून किसी धर्म विशेष या मानवाधिकारों के खिलाफ नहीं है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और किसी धर्म विशेष को लेके कानून नहीं बनाया जा रहा, ना वो कानून एनआरसी था ना वो सीए था। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम किसी की समझ के हिसाब से नहीं कानून बना सकते और क्या उसके पीछे उसकी नियत है निष्ठा है हम उसके हिसाब से बना सकते हैं, जो देश हित जनहित के लिए होगा वो ही कानून सरकार पारित करती है। बिल्कुल। और ये इट इज वेरी सिंपल, आइदर टू फॉलो इन द लाइन और बिसाइड द लाइन, तो फॉलो करना और नहीं करना उनके ऊपर है। बिल्कुल। बट ये जनसंख्या कानून चाहे वो भारत चाहे वो कोई भी होता, चाहे वो भाजपा होती या कांग्रेस होती या कोई भी दल होता, मैं कहता हूँ अगर ये जनसंख्या कानून किसी के द्वारा लाया जा रहा है तो उसका स्वागत करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये अनिवार्य है। समय की मांग देखते हुए अंकित साहब ये भी कहा जा सकता है कि ये कानून बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। अब इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है लेकिन अब तक तो इस कानून को आकर लागू भी कर देना चाहिए था। देखिए जब राजनीतिक गलियारों में ऐसे जो ऐतिहासिक फैसले लेने की कोशिश की जाती है तो उसका एक राजनीतिक मोड़ होता है। बिल्कुल। क्योंकि उस राजनीतिक मोड़ से वोट बैंक पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो लोगों ने अपनी निष्ठा अनुसार नियत अनुसार जो है इन फैसलों को नहीं लिया। मैं इस बात को सभी मानते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कोई दल ऐसा होता है कि किसी समुदाय के लिए बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, कोई दल किसी समुदाय के लिए इंक्लाइंड है। तो इस फैसले को लेना बहुत पहले लेना चाहिए था
पर ठीक है, दे राय दुरुस्त है, मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, और स्वागत हम सबको करना भी चाहिए उपाध्याय साहब, क्योंकि देखिए ये बेहद ही जरूरी कानून है, ये हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि वाकई इसे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं। देखिए इसे इस तरीके से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिस तरीके से अंकित साहब ने भी कहा कि कहीं ना कहीं चुनावों को साधने का भी प्रयास ये हो सकता है, लेकिन चाहे कोई भी बात हो, कानून आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, जीत हार होती रहेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक दल प्रतिबद्धता एक समुदाय विशेष के ना हो, हर राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता देश होना चाहिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। आप वो दिन लग गए जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, आज भारत की जनता तुष्टीकरण की राजनीति नकार चुकी है, और इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ दल नेपथ्य में चले गए, जो राष्ट्र के प्रति संवेदनशील नहीं थे, राष्ट्रहित जिनके सर्वोपरि नहीं थे, एक समुदाय विशेष को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते थे, तो एक मजाक बनकर रह गया था। आज सरकारों को राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश के हित में कानून बनाने चाहिए। समुदाय विशेष के लिए कानून नहीं होने चाहिए, उसे तुष्टिकरण की राजनीति कहा जाए। इलेक्शन की जहां तक आपने जिक्र किया, देखिए इलेक्शन में कुछ कानून बनाने से फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन ओवरऑल उसका अगर रिव्यू किया जाए तो आप देखेंगे वो सबके हित में है ना। बिल्कुल, किसी राजनीतिक किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए नहीं है ये कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के हित में है, न कि किसी राजनीतिक दल के हित में, किसी समुदाय के हित में, ऐसा नहीं। और जब देश प्रगति करेगा तो हर समुदाय प्रगति करेगा, हर नागरिक की उन्नति होगी, हमारा जीवन स्तर सुधरेगा। तो देखिए इस देश में रहकर चाहे समुदाय है चाहे व्यक्ति है, उसे देश के संविधान के अंदर सोचना होगा, उसे संविधान से इतर सोचने की आजादी देना राष्ट्रहित के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल, ये राजनीतिक दलों को सरकारों को अपने ध्यान में रखना चाहिए और उसी को ध्यान में रखकर कानून बना दो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो यूपी में कानून अभी फिलहाल ड्राफ्ट तैयार हुआ है, अगर ये कानून बनता है, अंकित साहब आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ, दूसरे राज्यों को भी इससे सीख लेने की जरूरत है, और अगर हम धीरे धीरे इसको नेशनल लेवल पर ही इस कानून को ले आते हैं तो वाकई जो बेरोजगारी है, भुखमरी है, वो सारे मुद्दे इस एक कानून से ही साधे जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात मुस्कान जी आपने रखा। देखिए कानून आने से सिर्फ जनसंख्या का नियंत्रण नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के संसाधन, जैसे बेड की कमी हम लोगों ने कोरोना काल में देखा, बिल्कुल, ये महामारी में हम लोगों ने इतनी पैनिक कंडीशन देखी, हो सकता था कि अगर हमारा जनसंख्या एक नियंत्रण होता तो हमारे पास रिस्पेक्टिव रिसोर्सेस होते उसको डेलीगेट करने के लिए, बट वो नहीं थे बिकॉज पॉपुलेशन कंट्रोल था ही नहीं हमारे पास। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि जनसंख्या कानून समय की दरकरार है और इसे पारित होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और अगर उत्तर प्रदेश ने यह पहल की है तो मेरा मानना है एटलीस्ट भाजपा शासित राज्यों में यह कानून बहुत जल्दी पारित हो जाएगा। बिल्कुल, और क्योंकि ये विजन सिर्फ योगी जी का नहीं है, माननीय मोदी जी का भी, और भाजपा एक विचारधारा से चलने वाली एक ऐसा दल है जो राष्ट्रवाद को पहले प्राथमिकता देती है, जातिवाद विस्तारवाद से बहुत दूर हो घट के, इसलिए जनता ने जनादेश दिया, ये किसी व्यक्ति का विचार नहीं है। तो ये जनता का जनादेश किसको मिला? बिल्कुल, जिसने राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखा, और जितने भी ऐतिहासिक फैसले लिए गए, चाहे वो 370 हो, एनआरसी हो, सीए हो, आपका ब्लैक मनी का प्रोविजन हो,
ये सब जो एक 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 राष्ट्रीय स्तर पे लिए हुए बड़े फैसले हैं, जिसने बहुत जिससे बड़ी जनसंख्या ने स्वागत भी किया और बहुत से विरोध भी किया। बिल्कुल, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों ही तरीके से हमें किस तरीके से उनसे निपटना है ये सरकार की जिम्मेदारी है और वो बेहतरीन तरीके से निभा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकित जी आपका और उपाध्याय साहब आपका, बहुत ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि इस कानून के बनने पर आगे किस तरीके से सरकार संभालती है और विपक्ष इस कानून को किस तरीके से लेता है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आज पेट्रोल की कीमतें जो है वो 33-35 पैसे प्रति लीटर बढ़ी हैं और डीजल की कीमतें 26 पैसे। तेल कंपनियों ने एक दिन राहत के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इसी के साथ दिल्ली में अब पेट्रोल 100 रुपए 91 पैसे के रूप में बिक रहा है और डीजल 89.88 रुपए लीटर पर बिक रहा है। एक दिन पहले शुक्रवार को तेल के दाम में कोई इजाफा नहीं किया गया था। वही 1 मई को 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की कीमत रेखा से शुरू होकर अब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है, जो पिछले 70 दिनों में 10 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ी है। इसी तरह राजधानी में डीजल की कीमत भी पिछले 2 महीने में 9 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि उनमें हुई है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, बिहार, पंजाब, लद्दाख और सिक्किम में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए लीटर के पार पहुंच गई हैं, इसका आंकड़ा छू गई है। वहीं राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा। मुझे और मुझे बहुत गाड़ी चलाना पड़ता, बहुत दूर दूर जगह जाना पड़ता, इतना इतना ज्यादा पेट्रोल बढ़ा दिए तो गाड़ी को अंदर रखना पड़ेगा मेरे को, तो 104 लगा रहा और 5-6 दिन में फिर 110-120 कर देगा, तो 110-120 करे तो मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है 120 डाल के 1 लीटर पेट्रोल पे जाने का, तो मुझे साइकिल पे जाना पड़ेगा या वरना इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाना पड़ेगा। बस यही दो है मेरे पास ऑप्शन, या पेट्रोल को कम तो करा दो या ना सबको थोड़ा कुछ ऑफर दे दो कुछ की गाड़ियाँ खरीदने के लिए कम रेट पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाए। इतना रेट सब बढ़ा दिया तो कैसा भाई, हम मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली को 100 रुपये लगाना हो तो बहुत 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 बड़ी बात है वो पेट्रोल के ऊपर। आमदनी भी बंद हो गया है, 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये का डालना पड़ रहा है, पैदल ज़्यादा पैदल मुश्किल हो रहा है, तो आप क्या गवर्नमेंट से क्या गुजारिश कर रहे हैं? पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर आज चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद है। आकाश जिंदल जी हमारे साथ, अर्थशास्त्री मौजूद है, बहुत स्वागत है आकाश जी आपका। दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ संवाददाता मौजूद हैं। राजीव, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी, दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम 100 के करीब पहुंच गए हैं, पार ही पहुंच गए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो 100 रुपए पार कर चुके हैं और डीजल के भी दाम लगभग 100 रुपए के नजदीक आ चुके हैं, मगर बात करें जिस तरीके से एलपीजी की या फिर सीएनजी की, उसके भी दामों में लगातार इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 38 दिन हो चुके हैं और 38 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो निरंतर बढ़ते नजर आ रहे हैं, और जनता की बात करें तो जनता बिल्कुल परेशान होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सरकारों से कुछ उम्मीद कर रही है कि सरकार जो है उनको राहत दे, मगर अभी तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल जनरल साहब, देखिए जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आज अभी अभी बड़ी खबर भी सामने आई है कि मदर डेयरी ने भी दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, इससे पहले अमूल ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। इस तरीके से अगर लगातार ऐसे ही स्थितियां चलती रही तो आखिर कैसे हम इस पर काबू पाएंगे महंगाई पर? आज से आपकी चैनल और तमाम नेशनल चैनल पे मैं कह रहा हूं, डीजल के प्राइस जैसे जैसे एस्केलेट करेंगे उसका पहला फॉलोआउट होगा मिल्क और वेजिटेबल प्राइसेस। अभी आप ये अपडेट दे रहे हैं कि मिल्क प्राइसेस एक बहुत बड़े ब्रांड ने बढ़ा दिए हैं, और दूध तो देखिए हर घर के लिए जरूरी है, बच्चों ने दूध पीना है, हर घर में चाय बननी है, तो दूध तो किचन का एक वाइटल एलिमेंट है। दूसरी बात, आप डेटा देखिए, WPI इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर 12.94% है,
बहुत हाई है, लोगों की कमाई कम हुई हुई है, जीडीपी ग्रोथ 31 मार्च की -7.3% है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। कहने का मतलब जब लोगों की कमाई कम है ऐसे में ज्यादा खर्चे टॉलरेट करने की लोग पोजीशन में नहीं है। वो क्या रहा है हाउस होल्ड में, मैं बहुत टेक्निकल जगलरी में, आई वुडंट टेक यू मच इनटू टेक्निकल जगलरी, बिल्कुल आदमी की बात करूंगा, लोगों की पीछे की बचत खत्म होती जा रही है, पीछे के रिजर्व खत्म होते जा रहे हैं अपनी डेली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को मीट करने में। तो इस प्रकार से आम आदमी जो है कहां जाएगा। आज की तारीख में जो हमारी रूलिंग पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी, वो दो लॉजिक दे रही है। पहला लॉजिक ये दे रही है, आपको अगर अच्छी सड़कें चाहिए, आपको कोरोना के समय में अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, आपको देश की ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए तो आपको पेट्रोल डीजल के दाम पे हाई टैक्स देना पड़ेगा। मैं वहां ये कहता हूं कि मुझे अच्छी सड़कें भी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल भी चाहिए और सस्ता पेट्रोल डीजल भी चाहिए, और ये तीनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है, मैं आपको उसका डेटा दूंगा। दूसरा जो लॉजिक किया जा रहा है कि ऑयल बॉन्ड्स की हमें रीपेमेंट करनी पड़ रही है, इसलिए जो है हम टैक्स ज्यादा रख रहे हैं। देखिए ऑयल बॉन्ड्स एक टाइम पे दिए गए थे जनता को, जो है सब्सिडाइज पेट्रोल डीजल देने के लिए, उस समय मार्केट प्राइस बहुत हाई चल रही थी, जनता को सस्ता दिया जा रहा था पेट्रोल डीजल, तो पेट्रोलियम कंपनियों को कंपनसेट करने के लिए दिए गए थे, कुछ रीपेमेंट उसकी ड्यू है मानता हूं, आज कुछ इंटरेस्ट कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट उसका ड्यू है, लेकिन जितना ऑयल बॉन्ड की पेमेंट है उसके कंपैरिजन में देखिए कितना सेंट्रल एक्साइज आपके पास आ रहा है, तो सेंट्रल एक्साइज तो आपको बहुत ज्यादा आ रहा है। दूसरा, अगर ऑयल बॉन्ड की रीपेमेंट आपके भारी पड़ रही है तो उसे आप डेफर कर सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं, या उस डेट के अगेंस्ट दूसरा डेट क्रिएट कर सकते हैं और उतना ही डेट आपकी बुक्स में रहेगा। तो मेरे हिसाब से टैक्सेस कम होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी। स्टेट गवर्नमेंट से भी मैं बार बार यही बात पूछता हूं, स्टेट में जो है कांग्रेस भी है, रीजनल पार्टीज भी हैं, अभी कांग्रेस ने पिछले दिनों काफी प्रोटेस्ट किया पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस के अगेंस्ट, वहां मेरा कांग्रेस से भी ड्यू रिगार्ड से सवाल है कि आप पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट में आपका एक हिस्सा है, तो आप आज की तारीख में जो है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में भी आपका रोल है, तो आज आपकी आज की तारीख में आप क्यों कर वैट कम नहीं करते, क्योंकि स्टेट्स भी एक टैक्स चार्ज करती है बिल्कुल। और इस पर जनरल साहब हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि ये जो वैट और सेस है वो कम होना चाहिए। 10 सेकंड दीजिए ताकि मैं बात पूरी रख सकूं जी। तो एक तो जो है वैट क्यों नहीं कम कर देते, क्योंकि जो है वैट भी अब आपको हाई मिल रहा है, बिकॉज जब पहले सेंट्रल एक्साइज और कॉस्ट की वजह से वो कॉस्ट बढ़ी हुई है तो उस पर आपको वैट मिलता है, तो वैट से स्टेट की कमाई पहले से बढ़ी हुई है ज्यादा। दूसरी बात जो है, 4 साल से मैं बात सुनता आ रहा हूं, कम से कम 1000 शो कर चुका हूं स्टेज पे, अलग अलग नेशनल चैनल पे, कि जीएसटी में लाया जाएगा पेट्रोल और डीजल को। अब यहां बीजेपी सेंटर में है, उसके अलावा स्टेट्स में कांग्रेस भी है, रीजनल पार्टीज भी हैं। अब जीएसटी काउंसिल में जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट हैं वहां स्टेट गवर्नमेंट के वोट हैं। 4 साल से मैं जानना चाहिए, 4 साल में कितनी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, मैं दोनों पार्टी से जानना चाहता हूं, बीजेपी से कांग्रेस से, कितने बार जीएसटी काउंसिल में ये एजेंडा में रखा गया है कि जीएसटी में लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगी जनरल साहब आपके पास एक बार फिर से, मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव तिवारी संवाददाता है, उनके पास कुछ लोग मौजूद हैं, वो उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं और लोग भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर देना चाह रहे हैं। राजीव देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता बिल्कुल परेशान है, और यहाँ तक कि गाड़ियों के अंदर जब पेट्रोल पहले 200 या 300 का डलवाते थे, आज वो कहीं ना कहीं 100 रुपए का पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, और क्योंकि 100 रुपए में सिर्फ 1 लीटर ही पेट्रोल मिल पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जनता की जो कमाई है वो बिल्कुल नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान है। हम जनता से ही जानना चाहेंगे क्या वाकई में जो महंगाई का असर है वो उनके ऊपर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमूल ने अपना दाम बढ़ा दिया दूध में, और कहीं ना कहीं मदर डेयरी ने भी दाम बढ़ा दिया, तो क्या घर की रसोई जो है वो कितनी बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए सरकारों को। सर आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शाहिद जमाल है, मैं सदर बाजार में रहता हूँ। बात करें अगर इस महंगाई की, खास तौर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, तो आज देख लें कि जनता बिल्कुल त्रस्त है, एक मीडियम क्लास के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। जो 70-65 रुपए का पेट्रोल था आज वो 110 रुपए में हम खरीद रहे, आप सोचिए कि क्या हालत हुई होगी हमारी। इसी तरह सिलेंडर का देख ले, 900 रुपए का एक सिलेंडर हम खरीद रहे, घर को चलाना मुश्किल हो गया है, मतलब बहुत तस्दी वाली पोजीशन आ गई है। पहले जो सरकारें थी कुछ ना कुछ ध्यान रखती थी मिडिल क्लास का, लोअर क्लास का, लेकिन अभी तो बिल्कुल उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, सोच ही नहीं है, बस लोग परेशान रहे कुछ भी रहे,
उनको कोई मतलब नहीं इन सब चीजों, यानी सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए सारी पॉलिसी बनाई चली जा रही है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, जनता के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है ना कोई सोच रही है। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों की जो घर की रसोई है उस पर कितना असर पड़ा है? सर रसोई जहां तक बात करें तो बजट अगर पहले हम 10-12 हजार रुपए में अपना रसोई को पूरा कर लेते थे पूरे महीने में, आज वो डबल से ज्यादा हो चुका है, तो आप खुश हो सकते हैं, काम भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, बिजनेस नहीं है, हर तरफ से मतलब परेशान। सरकारों को क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे पहले तो अपने पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बारे में सोचना चाहिए, ये सबसे पहले तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में अभी कुछ न कुछ जो है सब्सिडी ऐसा कोई स्कीम ला करके इसके रेट को कम से कम 25-30% हमारा सुझाव तो ये रहेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप इधर आइए जरा, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको पर कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि आप पेट्रोल जो पहले आप कितने का डलवाते थे, अभी आप स्कूटी लेके आए हैं, पहले कितने का डलवाते थे और आज कितने का डलवा रहे थे? भाई साहब आप जब देखो मोदी जी आए उस समय 65-70 रुपए का रेट था, ठीक है, इन्होंने कम कराए, आज 2 सालों में आप इन्होंने जो रेट बढ़ाए आप ये देखते हैं कि 2 सालों में जितना लॉकडाउन लगा है क्या लोगों का काम है सरकार को ये चीज देती है? लोग काम है तो इन्होंने अपनी हर सरकार चलानों के पेट्रोल के वाइन के रेट तो अपनी चीजों में सब जरूरी है, लेकिन हमारी किपचे कैसे बनेंगे, कैसे घर चलेगा, कैसे उसके पास पैसे आएंगे? सरकारें नहीं सोच रही, यानी कि इनके आपके जनता के बारे में नहीं सोच रही है, खाली प्लान बना के पेपरों में शो कर दिया जाता और पब्लिक परेशान हो जाती, काम कुछ भी नहीं होता। जितनी तरीके की फैसिलिटी गवर्नमेंट कहती है ये देंगे, जो वादे कर लिए जाते हैं कहाँ पूरे होते हैं आप बताइए, कहाँ पूरे होते हैं? पब्लिक अपने अपने कामों पे जाती है, हाथ में कुछ भी नहीं आता उसको। तो देखा आपने कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो वादे जरूर करती है, मगर धरातल की बात करें तो कहीं ना कहीं वादे पूरे होते नजर नहीं आते और जनता जो है इसी तरीके से महंगाई से पिसती भी नजर आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिंदल साहब आपने भी सुनी ये तमाम बातें किस तरीके से जनता त्रस्त है, जनता ये भी जानती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय में जब एक इकोनॉमिस्ट के हाथ में सरकार थी तब पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से कम हो रहे थे और अब पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। जब कांग्रेस के समय में जब पेट्रोल डीजल 60-70 पर बिकता था तब खुद बीजेपी ही इस तरीके से अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करती थी, हाथों में सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब जब लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं तब उन्हीं के मंत्रियों के अलग अलग बयान भी सामने आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कांग्रेस के टाइम जो है सब्सिडाइज करने के लिए यानी आम जनता को सस्ता देने के लिए ऑयल बॉन्ड इशू किए गए, अब बीजेपी आज उसी बात को उठा रही है कि हमें उन ऑयल बॉन्ड की रीपेमेंट करनी पड़ रही है, तो वो ऑयल बॉन्ड जो थे उसका मतलब था कि डेफर्ड पेमेंट, उसकी पेमेंट थोड़ी डिले करके देनी है, तो अल्टीमेटली जो है सरकार को उसका पैसा भुगतान करना है लेकिन जनता को जो है सब्सिडी पे दिया जा रहा था। जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस से भी ये पूछ रहा हूं कि आज जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस की भी वोट करी, हम सब जानते हैं अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आ जाता है तो उसके रेट बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स का रेट है 28%। तो मैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से पूछता हूं कि जीएसटी में लाने के लिए आपने क्या प्रयास किए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में जैसे मैंने पहले बताया कि वहां पे बीजेपी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी वोट है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट की भी वोट है, जहां कांग्रेस भी है रीजनल पार्टी भी है। तो आज की तारीख में आप पूछे मुझसे तो मुझे तो पूरी पॉलिटिकल क्लास ने निराश किया। हालत ये है कि आम आदमी परेशान है, आम आदमी के खर्चे बढ़ते जा रहे, कमाई कम है, वही बात जो मैं पहले पॉइंट आउट कर रहा था मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मिंदल डॉट इन ने टाइम एंड अगेन माय ऑर्गेनाइजेशन हैज पॉइंटेड आउट दिस थिंग दैट पीपल्स इनकम्स आर रिड्यूसिंग, पीपल्स एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग। अभी आपने जो हमारे दर्शक की बात सुनी वो क्या कह रहे हैं, देखिए लॉकडाउन में कमाई कम हो गई, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो कैसे मैनेज करें। तो आज की तारीख में पूरी पॉलिटिकल क्लास से मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कौन सी पार्टी ने हमें रिलीफ देने का प्रयास किया है, कहां पे प्रयास किया गया है, क्या जीएसटी काउंसिल में कभी इसको एजेंडा में लाया गया है, क्या स्टेट्स में, क्या कुछ स्टेट्स में कांग्रेस है या कुछ स्टेट्स में रीजनल पार्टीज है वहां स्टेट से वैट कम किया है? तो मेरे हिसाब से तो टैक्सेस कम होने चाहिए लेकिन टैक्सेस कम होने का प्रयास कहीं नहीं हो रहा है। वो क्या रहा आज की तारीख में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशिंदल डॉट इन का मानना है, आज अगर कांग्रेस से बात की जाती है तो कांग्रेस जो है बीजेपी के ऊपर बात करती है कि देखिए वो लोग हाई टैक्स चार्ज कर रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज आई है। बीजेपी से पूछा जाता है तो बीजेपी कह देती है कि कांग्रेस के टाइम के ऑयल बॉन्ड है जिसकी हमें पेमेंट करनी है। तो एक टेनिस बॉल की तरह एक प्लेयर बॉल को एक दूसरे के कोर्ट में डाल देता है, दूसरा उसके कोर्ट में डाल देता है, और जनता
कड़वी सच्चाई पूछे तो वो टेनिस बॉल बनी हुई है जिसे समझ नहीं आ रहा। मेरे जैसे लोग, आकाश जिंदल जैसे कंज्यूमर, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, एक मिडिल क्लास पर्सन हूँ, तो आकाश जिंदल जैसे लोग एक टेनिस बॉल बने हुए हैं विच डजंट नो विच वेयर इट इज गोइंग, किस वक्त क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है, कहाँ पहुंचेगी। तो आज की तारीख में सिंपल सीधा सोल्यूशन है जो तमाम टीवी चैनल से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल गौतम की तरफ से कहा गया है, टैक्सेस कम कीजिए। देखिए बार बार जो है कहा जाता है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मानता हूं ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में ओपेक प्लस की बात करें जिसमें ओपेक भी है, रशिया भी है, वहां प्रोडक्शन कट्स को लेके काफी इश्यूज है, काफी डायलेमा है। उसके अलावा आप देखिए यूएस किस तरह से प्रोडक्शन करता है, कंजम्पशन ऑलरेडी बढ़ी हुई है यूएस में, यूरोप में, तो ब्रेंट क्रूड वो कच्चा तेल जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी 74-75 डॉलर पर बैरल चल रहा है, मानता हूं, और आगे चल के इससे और बढ़ने की भी संभावना है। यहां मैं जनता को और कॉशन करता हूं, बात कर भी है आगे चल के 85 डॉलर पर बैरल भी हो सकता है, लेकिन बात यहां ये कि ग्लोबल मार्केट को लेकर हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो जो मार्केट प्राइस होगी हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपने यहाँ जनता को रिलीफ देने के लिए हम टैक्सेस तो कम कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी पर जान लेते हैं जी, मैं लौटूंगी आपके पास जनरल साहब, इसी पर जान लेते हैं राजीव से। राजीव, जिस तरीके से जनरल साहब ने कहा कि जो वेट है और सेस है उसको घटाने का काम किया जाना चाहिए, क्या दिल्ली सरकार की ऐसी कोई रणनीति है? क्योंकि बीजेपी केंद्र सरकार में फिलहाल ऐसी कोई रणनीति नहीं बन रही है, एक दूसरे पर ठीकड़ा फोड़ा जा रहा है, दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि या तो केंद्र कम कर दे या राज्य कम कर दे, क्या दिल्ली सरकार की ऐसी कोई रणनीति है वेट या सेस कम करने की? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की अभी ऐसी कोई भी रणनीति नजर नहीं आ रही है जिससे जीएसटी या कहें टैक्स जो है वो कम हो सके, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो लोगों की रसोई थी या उसकी का सीधा असर उसी पर पड़ा है, क्योंकि अब जो पेट्रोल और डीजल के बाद में लगातार दूध के दाम भी बढ़ रहे हैं, अमूल के दाम बढ़े, उसके बाद मदर डेडी के दाम बढ़ चुके हैं, मगर जनता जो है वो बिल्कुल परेशान है, पर कहीं ना कहीं उसको राहत चाहिए, चाहे वो दिल्ली सरकार दे यानी कि आम आदमी पार्टी दे या फिर कांग्रेस पार्टी दे या फिर केंद्र सरकार यानी भाजपा दे, मगर उनको राहत चाहिए। मगर अभी तक ऐसा कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही जिससे कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो कम होती नजर आए और लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो वापस दोबारा से पटरी पर आ सके। जी बिल्कुल। और जनरल साहब देखिए, अब जिस तरीके से मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, अब आगे आगे धीरे धीरे जिस तरीके से व्यवसाय पर असर पड़ेगा तो सब्जियों के दाम भी बढ़ेंगे और चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, सीएनजी के दाम भी और सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं दिल्ली में। इस तरीके से महंगाई लगातार अगर बढ़ती रही तो आखिर बेरोजगारी पर लगाम कैसे लगेगी? बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा, आई कांग्रेचुलेट यू फॉर आस्किंग वंडरफुल क्वेश्चन, क्योंकि होगा क्या, आपके क्वेश्चन में बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स छुपी हुई है। देखिए क्लियर है, आज अगर महंगाई बढ़ती रहेगी तो होगा क्या, आम आदमी का सारा खर्चा उसके एसेंशियल पे लग जाएगा, यानी आटा, दाल, रोटी, चावल, सब्जी। अब उसके बाद जब वो सारा एसेंशियल पे लग जाएगा तो फैमिलीज बाहर शॉपिंग करने नहीं जाएंगी, फैमिलीज मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने नहीं जाएंगी, फैमिलीज पिकनिक पे नहीं जाएंगी। अब इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी आटा दाल चावल से नहीं चलती, इकोनॉमी चलती है जब आप कंफर्ट के लिए जाती हो, व्हेन अ फैमिली ऑफ फोर गोज आउट टू अ मल्टीप्लेक्स टू वॉच अ मूवी एंड स्पेंड 2000 रुपीज, दैट इज व्हाट सेट्स द इकोनॉमी मूविंग। जब एक महिला अपने परिवार के लिए शॉपिंग करने जाती है 3000-5000 रुपए एक मॉल में खर्चती है, उससे इकोनॉमी चलती है, उससे रोजगार उत्पन्न होता है। तो जब जाके आप शॉपिंग करते हो, डाइनिंग आउट करते हो, या फैमिली के लिए कैपिटल गुड्स मान लीजिए टू व्हीलर खरीदा गया, कार खरीदी गई, उससे इकोनॉमी चलती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। आज अगर टू व्हीलर नया परचेज होता है तो उससे 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कोई इसका लैंप बनाता है, कोई टायर बनाता है, कोई इसका सीट कवर देता है, उसके बाद उसका इंश्योरेंस करता है, कोई इसे फाइनेंस करता है, कोई इसे रिपेयर करता है। अब जब लोगों के पास सरप्लस पैसा होगा ही नहीं शॉपिंग करने के लिए, मूवी देखने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, तो इकोनॉमी में रोजगार कैसे आएगा जब सारा पैसा ही एसेंशियल्स पे लग जाएगा। अब इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मंडल डॉट इन का मानना है, इन्फ्लेशन डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी जीडीपी कम होगी, जीडीपी कम होगी तो डेफिसिट यानी सरकारी घाटा बढ़ेगा, सरकारी घाटे को पाटने के लिए फिर ज्यादा टैक्स लिए जाएंगे, तो ये एक नेगेटिव साइकिल के अंदर हम फंसते जा रहे हैं। तो आज की तारीख में आम आदमी की महंगाई कम करना बहुत जरूरी है, बात सिर्फ ये आम हाउस होल्ड की नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए जो है एक ऐसे साइकिल में हम चले जाएंगे। जैसा कि आपने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या होगा,
देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या अनएम्प्लॉयमेंट इस समय बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। एक चीज और बता दूं, लोगों की कमाई बड़ी हुई होती तो लोग ज्यादा खर्चे टॉर्गेट कर लेते। एक परिवार को ये होता कि घर में सैलरी आती थी 1 लाख रुपया, अब सैलरी आ रही है 1.5 लाख रुपया, चलो कोई बात नहीं, 2000-4000 खर्चा है, 5000 बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। तकलीफ कहां हो रही है कि घर के अंदर इनकम आती थी 1 लाख रुपया, अब या तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर तलवार लटकी हुई है कि नौकरी अगले महीने रहेगी कि नहीं रहेगी, या 1 लाख रुपए के हो गए 80,000 और खर्चे बढ़ के हो गए 1,20,000। चीज जो चोट दे रही है, जो वो दर्द दे रही है, वो हाउस होल्ड को परेशान कर रही है और उसको रिलीफ देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं लौटूंगी आपके पास जिंदल साहब जी, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास, जरूर पूरी सुनेंगे। राजीव के पास एक बार और भी दर्शक मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। राजीव क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है, मगर बात करें जिस तरीके से मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर थी, मगर मिडिल क्लास किसी भी तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। मगर आप जब बात करें ग्राउंड लेवल की, यानी कि जो मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, वो कहीं ना कहीं अब परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसकी जनता की परेशानियां बिल्कुल बढ़ती जा रही है। भाई आपसे जानने पाएंगे कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे कितना फर्क पड़ रहा है, और आप लोग जिस तरीके से मजदूरी करते हैं या फिर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो उससे कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों को? महंगाई बढ़ रही है कि परेशान हो गया, आपको काम बराबर मिल जाना है, बार नौकरी कर रहा हो पैसे आते दे रहे हैं, परेशानी है। दूध के भी दाम बढ़ गए हैं और सरकारों से क्या उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ राहत मिलेगी? तो कोई राहत दिख नहीं रहा है, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। देखा आपने, कहीं ना कहीं ऐसी समझ नहीं होगी कि गरीब इंसान को, यानी कि मिडिल क्लास या फिर चाहे लो क्लास के इंसान को ना तो सरकारों से मतलब है ना ही किसी और चीज से, सिर्फ उनको ऐसी सुविधाएं चाहिए जो उनके लिए राहत वाली हो सके, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे तो और ज्यादा चीजों पर दाम दे घटेंगे, और कहीं ना कहीं जो उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी गई है जो कोरोना काल के अंदर बिगड़ी है वो कहीं ना कहीं वापस आएगी। आप देखना होगा क्या सरकारें कुछ कदम उठाती है, क्योंकि इसमें सरकारें चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, जिम्मेवारी सबकी बनती है और सबको यही करना, मिलकर काम करना होगा, जनता को राहत देनी होगी। जी बिल्कुल, और ये बहुत सही बात है, दर्शक भी किस तरीके से परेशान है ये भी आपने सुना। जिंदल साहब मजदूर थे ये, इन्होंने कहा कि जहां ये काम करते हैं उनको जो उनका काम का पैसा है वो भी आधा मिलता है, यानी कि साफ तौर पर बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है ये भी हम देख रहे हैं, और इस बेरोजगारी के बीच पेट्रोल डीजल महंगाई के दाम इस तरीके से महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महंगाई पर लगाम कब लगेगी और कैसे लगेगी? देखिए अब मेरे इस मजदूर भाई ने कितने अच्छे तरीके से अपना दर्द बयान किया है, इसी दर्द की मैं बात कर रहा था कि लोगों की कमाई कम हुई हुई है, अब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कमाई कम हुई है। अब हमारे इस मजदूर भाई ने क्या बताया कि इसकी वही मेहनत ये हमारा भाई कर रहा है लेकिन इसका आधा पैसा इसे मिल रहा है, तो वो कैसे अपने परिवार का पूरा डालेगा। हालांकि यहाँ मैं एक चीज के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को सैल्यूट करूंगा, जो 5 किलो अनाज हमारे गरीब भाई बहनों के लिए रखा गया है, सरकार कोरोना पे भी खर्चा कर रही है, बट हमें इन्फ्लेशन से मुक्ति मिलनी चाहिए, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कम होनी चाहिए। महंगाई आपको बता दूं, ना सिर्फ आम आदमी के हिसाब से, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी हिंदुस्तान की अगर इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी कमजोरी है वो इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन पे काबू करना सरकारों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया जाए। देखिए सरकारों को मैंने कई बार, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मंडल .in ने आपके चैनल पे तमाम नेशनल चैनल्स के थ्रू कई सजेशन दिए हैं, मानता हूं आपका खर्चा बढ़ा हुआ है, वैक्सीनेशन पे आपका खर्चा हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं, हमारे गरीब भाई बहनों को आपने जो 5 किलो अनाज दिया है बहुत अच्छा काम किया है, उस पर आपका खर्चा हुआ है, लेकिन वो खर्चे को हाई टैक्स के रूप में जनता से वसूलना सही चीज नहीं है। उसके लिए देर आर वेज एंड मीन, उसके लिए मोर करेंसी कुड बी प्रिंटेड फॉर शॉर्ट टर्म, दिस हेलीकॉप्टर मनी कुड बी यूज, उसके लिए ग्लोबल बोरिंग बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए आप हमारे एनआरआई बॉन्ड भाइयों से मसाला बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू मनी कुड बी रेज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कुड बी कर्व, तो देर आर मेनी वेज एंड मीन टू रेज मनी। टैक्सिंग पेट्रोल एंड डीजल, चार्जिंग हाई टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल इज नॉट एट ऑल द प्रॉपर वे टू मैनेज इकोनॉमी राइट नाउ, बिकॉज पीपल आर ट्रबल्ड, पीपल इनकम्स हैव लोअर्ड एंड देयर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग, सो राइट नाउ द कॉमन मैन, नाउ वी हैव टू लिसन टू मेनी वाइज of many common people, many brothers and sisters. Now what they are saying, they seem to be frustrated that look, this is what has happened to my income, this is how my expenditure has risen.
वेयर शुड आई गो, अभी बात जी उसी बात की रिपीट करूंगा, टॉकिंग अबाउट आर लेबरर ब्रदर, व्हाट डिड ही से, माय एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बट आई एम गेटिंग 50% फॉर व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग अर्लियर, आई वाज गेटिंग परहैप्स आवर ब्रदर वाज गेटिंग 600 और 700 रुपीज अर्लियर, नाउ ही इज मियर गेटिंग 300 और 350 रुपीज, हाउ डू आई सर्वाइव, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर पोलिटिकल पार्टीज नीड टू आंसर, आई सीक एन आंसर from our political parties, whether it's BJP, Congress or regional parties, what our laborer brothers said, हमारे मजदूर भाई ने जो कहा कि मेरी कमाई आधी रह गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूं? ये political parties को address करना ही चाहिए और करना पड़ेगा। बिल्कुल। राजीव के पास कुछ और लोग जुड़ गए हैं, राजीव क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? खुशी करेंगे क्योंकि जिस तरीके से मजदूर जो बता रहे थे कि उनकी कमाई जो है वो आधी है और आधी में भी गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या सरकारें जिस तरीके से वो आप लोग वोट करते हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि आने वाले समय के अंदर सरकारें कुछ आपके लिए कुछ करेंगी, या अभी तक जो महंगाई है उससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आप लोगों का? इधर आइए, पहले तो आप बताइए मुझे कि आपको यह बताइए कि आप लोगों को जो महंगाई बढ़ रही है उससे कितनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है आप लोग? बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है जी व्यवस्था, काम धंधा रोजगार बिल्कुल नहीं है, सारा दिन बैठ के शाम को रोटी खर्चा भी नहीं चलता जी, ये हमें बड़ी परेशानी है, बच्चे हमारे परेशान खुद परेशान हो रहे हैं इस टाइम। अच्छा सरकारें कोई भी हो क्या आपको फर्क पड़ता है इन चीजों से, क्योंकि जब आप लोग वोट देते हैं तो क्या सोच के देते हैं आप लोग? ये सोच के देते हैं चलो भाई हमारा काम हो जाए, मतलब ये महंगाई हट जाए, कोई फर्क पड़े महंगाई में कुछ राहत मिलेगी? हाँ कोई राहत मिलेगी। हाँ क्या वो राहत मिलती नजर आ रही है? अभी भी नहीं मिल रही, नहीं नजर आ रही। अच्छा केंद्र सरकार ने राशन फ्री दिया 5-5 किलो, क्या उससे गुजारा कितने दिन हुआ आप लोगों को? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा जी, उसके ऊपर मटेरियल और भी तो चाहिए ना, नमक है, तेल है, मिर्ची और भी तो खर्चे साथ साथ खा ली, तो उससे अनाज से थोड़ी बात बनेगी, और भी तो खर्चे है साथ। तो देखा आपने कहीं ना कहीं सरकारें चाहे कोई भी हो मगर जनता को सिर्फ राहत चाहिए, वो राहत अभी भी मिलती नहीं आ रही है जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जनरल साहब आपका भी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम स्थिति को समझाया है उसके लिए बहुत शुक्रिया, और अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल अब महंगाई कब चरम पर, जिस तरीके से अब चरम पर है, कब महंगाई कम होगी, कब लगाम लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ, नमस्कार।